प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तेलंगाना में कहा कि उन्हें रोजाना 2 से 3 किलो गालियां मिलती है, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदल देता है। यह बात उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करती हुई कही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग निराशा और हताशा के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। पूरी डिक्शनरी उन्होंने मोदी को गाली देने के लिए खपा दी है। मेरी आपसे विनती है कि ऐसी बातों से आप परेशान नहीं हो, क्योंकि उनके पास में गालियां देने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। मैं पिछले 20 से 22 साल में वैरायटी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। आप इन गालियों के बारे में चाय पर हंसी मजाक कीजिए। दूसरे दिन कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। जो जनता के सेवा में काम आती है भाइयों बहनों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे।